भी 5:30 बज रहा है, तो फटाफट से रेडी होते हैं सब लोग। तो गाइस हम लोग रास्ता थोड़ा भूल गए, नहाऊंगा करने जा रहा हूँ तो फोन यहाँ पर जमा करना पड़ेगा वहाँ। मैं रूम पे आ गया था, रूम पे आने के बाद मैं सो गया था, सोया भी क्या बस 1-2 घंटे। तो अभी मैं उठा हूँ, अभी 5:30 बज रहा है, तो फटाफट से रेडी होते हैं सब लोग, फिर निकलते हैं। थोड़ा उंजेला बाहर हो जाए, अभी थोड़ा अंधेरा है, तो अभी सब बैठे हुए हैं और कुछ लेटे हुए हैं और कुछ थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, तो फिर फटाक से अभी सब रेडी हो जाते हैं, फिर बाहर मिलते हैं। भाई अब सब लोग उठ के निकल चुके हैं, सब आगे चल रहे हैं और बाहर का सुबह का व्यू तो बहुत तगड़ा लग रहा है, दिखाता हूँ। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, उसकी वजह से ये गाना भी बज रहा है। भाई साहब एक नई चीज मैं यूज कर रहा हूँ, नई चीज तो नहीं है पर मेरे लिए नई चीज है। तो गाइस हम लोग रास्ता थोड़ा भूल गए थे, तो अब सही रास्ते में जा रहे हैं। तो अभी यहाँ कितना क्राउड हो गया है, पहले नहीं था जब लोग रात में, तो बिल्कुल सन्नाटी रोड थी, अब देखिए। और 7 बजे तो ओपन होगा, उसके बाद अभी आगे देखते हैं क्या है वहाँ। देखना था भाई साहब क्या पानी है, क्या नजारा। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ वैसे, और अभी आगे जा रहे हैं, फिर वहाँ का पता करते हैं वहाँ का क्या सीन। उन्होंने कुछ बात करी है, इनको पता है क्या है, तो अभी वहाँ जाके देखते हैं। पर वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी अभी तो 6 बज रहे हैं। ये पता नहीं क्या है, अभी तो मुझे नहीं पता, देखते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये मैंने गूगल मैप पे देखा था, तो अब जाके मुझे मिला, अच्छा लग रहा है, तो अभी मैं यहीं जाके नहाऊंगा। तो गाइज अब मैं नहा चुका हूँ, कोई प्लान तो मतलब प्लान तो था क्योंकि अच्छा था वहाँ से, तो नहा चुका हूँ, बाल इतने लंबे हैं कि कुछ लाया नहीं हूँ। तो अब यहाँ से सब लोग रेडी हो गए, सब निकल रहे हैं, तो फिर हम भी निकलते हैं यहाँ से। और ये फूट कर रहे हैं, तो सीधा मंदिर जाएंगे, वहाँ पर देखते हैं क्या। ये लोग अभी कुछ फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, तो यार प्लीज़ यार फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर नहीं किया है तो वहाँ पर सारी फ़ोटोज़ दिखेंगी। तो गाइस हम लोग वापस वहीं आ चुके हैं जहां पर हम लोग रास्ता भूल गए थे, तो अब फिर से वहीं जा रहे हैं, तो इस बार पूरी रेडी हो गए हैं सब लोग। तो अभी मंदिर है आगे, वहां पर सब कुछ जो प्रसाद लगना होगा वो सब लेंगे, उसके बाद दिखाते हैं। तो यार 15 अगस्त पर ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ के बारे में ये कुछ बताना चाहेंगे। देखिए ये जो रास्ता जा रहा है ये हनुमानगढ़ी को जाएगा, और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद हम लोग जो है राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे, कनक भवन का दर्शन करेंगे, दशरथ महल का दर्शन करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद भी अगर वापसी में जो अगर हम लोग को समय मिला तो आपको स्वर्ग से लाया हुआ जो पेड़ भगवान श्री कृष्ण जिस चीज फूल का राधा माँ यूज करती थी वो वृक्ष भी आपको दिखाएंगे। हाँ, पारिजात का वृक्ष जो है वो रास्ते में ही पड़ेगा, अगर टाइम मिला तो ज़रूर दिखाएंगे। और देखते हैं आगे चलते हैं, एंजॉय करते हैं, जो भी होता है आपको शेयर करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। हम मंदिर के थोड़ा बाहर ही खड़े हैं और यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं लड्डू, हम 4 लोग लेंगे, और उसके बाद अभी यहीं से शूज उतार देंगे, और नहीं सबने उतार ही रखा, नहीं उतार के फिर ऊपर जाते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का क्या है। भाई प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं ऊपर।
बस अब बोले ही नहीं, बंद कर दिए। सो गाइस मैं वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ तो फ़ोन यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, वहाँ फ़ोन और घड़ी अलाउड नहीं है, तो अभी मैं फ़ोन यहाँ रखता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, कम से कम 200-250 मीटर मैं वहाँ पर चला था और नंगे पैर तो गया था, लग रहा था बहुत दिन के बाद गया था। तो और वहाँ पर पुराने पुराने पत्थर थे, उनके डिज़ाइन थे, देखे थे, और वहाँ प्रसाद मिला अलग से, बंदर भी थे, छिना रहे थे पर बच गया। बस वहाँ पर पत्थर देखे पुराने तरह के, बहुत मतलब क्या डिज़ाइन थी उनकी। तो फ़ोन तो जाना अलाउड नहीं था वरना दिखाते आपको भी, तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आएँगे ही जो लोग आने का मन। तो अभी आगे जा रहे हैं, आगे मंदिर भी और भी हैं, वहाँ में भी फ़ोन अलाउड हो तो फिर चलते हैं आगे की ओर। तो भाई अभी कनक भवन जा रहे हैं और उसके लिए राइट मुड़ा है, चलते जा रहे हैं और दिखाते हैं कनक भवन कैसा है क्या है। ये है कनक भवन का गेट, फिर यहाँ से अंदर जाते हैं और ये हमारी गौ माता खड़ी हुई है। नहीं वहीं पर है। यहाँ के दर्शन हो चुके हैं, अब जा रहे हैं एक और टेम्पल, फिर वहाँ से आगे देखते हैं। तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और टाइम हो चुका है 10:30, कुछ पता नहीं चलता वैसे भी। तो फिर भी यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट टेम्पल में जाते हैं। गाइस ये रहा अपना नेक्स्ट टेम्पल, मज़ा आ गया देखने। अब यहाँ से जा रहे हैं, अपने जहाँ प्रसाद दिया था वो लेते हैं, फिर उसके बाद देखो आगे क्या करना है। और अभी तो आधे लोग वैसे भी वहाँ जा रहे हैं, हम तो रात भर सोए भी नहीं थे, कोई वो सोया हुआ नहीं है, सब जगह ही हुए हैं। तो बस पहुँचने वाले हैं, लेते हैं जल्दी से सामान, फिर देखो अपना प्रसाद ने ले लिया है। तो अभी यहाँ से जाते हैं रूम की तरफ, बहुत धूप हो रही है, कुछ भूख लगी है तो कुछ खाने जा रहे हैं, रास्ते में कोई होटल मिलेगा देखते हैं। तो
फिर देखते हैं कोई होटल हो तो फिर, वरना बोले थे 11:30 बजे यहाँ भंडारा होता है, पर अभी 1.5 घंटा बाकी, 1.5 घंटा कौन रुकेगा। तो भूख लगी है, जल्दी से थोड़ा बहुत खा लेते हैं जाकर, फिर बाद में देखते हैं, जल्दी से पता करते हैं कोई रेस्टोरेंट होटल मिल जाए यहाँ पर। भाई यहाँ पर समोसे छोले वगैरह खा लिए है, अब शाम तक आरती तो कैंसिल कर दी गई है, तो फिर यहाँ से जाते हैं एक पार्क में, फिर वहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, भंडारा स्टार्ट होगा, उस पर टोटल आज मैं घर पहुँचूँगा 7 बजे करीबन बच जाएगा, तब मैं पहुँचूँगा, तो फिर मिलते हैं अगले। तो गाइस खाने का सीन में क्या होता है ना, पहले मोहर लगाना पड़ेगा, तो सबका मोहर लग रहा है, और जिसका लग रहा है वही अंदर जा रहा है ना, चलो हम लोगों का तो हो गया, हम लोग पहले अंदर जाते हैं। तो गाइस हम लोगों की एंट्री हो चुकी है, तो अब जा रहे हैं खाने के लिए, तो अभी यहाँ पर बैठेंगे, नीचे ही बैठना होता है वो तो, और जैसी बात है सब जगहों में, तो फिर नीचे बैठेंगे, उसके बाद से क्राउड देखिए यहाँ इकट्ठा हो चुका है। तो गाइस हमारे लौंडे बैठ चुके हैं खाना वाना खाने के लिए, तो ये प्लेटें लग चुकी हैं लाइन से, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अभी तो यार बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ नहीं खाया, और ये तीनों लोग बैठे हुए हैं, तो भाई साहब खाना शाना खा लिया था, खाना अच्छा था, और उसके बाद मेरी बैटरी डेड हो गई थी, तो फिर कुछ बन नहीं पाया, तो फिर गाड़ी में भी तो बस अभी आगे जा रहे हैं, एक और मंदिर लखनऊ पहुंचने ही वाले हैं, तो अभी मुझे नाम नहीं याद, पर उन्होंने पता है, फिर वही मिलते हैं, अभी मिलते हैं। भाई मैं बढ़ाऊंगा ना बढ़ाऊं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा फिर, अरे भाई तेज हो गए भाई 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 भाई, 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 भाई गए अरे आगे ले चलो, देखिए मौसम हो रहा है कि क्या ऊपर का माहौल बना है यार, सब लोग पीछे फोटोज खींच रहे हैं, और यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, बादल भी है, बारिश का मौसम भी है, साथ में ये हरियाली, पेड़ और रोड, रोड को जिस तरह से पेड़ ने कवर करा है ना भाई, क्या बताना। तो अभी ये लोग फोटो खींचने वाले हैं, साथ में अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जिसने नहीं करा है, उसके बाद फोटोज आपको दिखती रहेंगी इंस्टाग्राम पर। आपसे कुछ बताना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ पर, गाड़ी लगा ले क्या, अब बताइए हम लोग कहाँ पर हैं, ऐसा है कि बारिश इतनी तगड़ी हो गई है, लोग बाहर जा ही नहीं पा रहे, बहुत तगड़ी बारिश, हमारा पेड़, और हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, बस देखने ही आए थे। भाई साहब घर पहुँचते हुए, और यहाँ पर एक पार्टनर को घर छोड़ दिया है, फिर यहाँ से मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ, थक गया हूँ, नींद आ रही है, 24 सोया नहीं, मैं जाके सो जाऊँगा, जाकर बहुत थकान हो रही है। मैं कल आ चुका था, मेरा फ़ोन बैटरी डेड हो गई थी, तो फिर चार्जर तो मैं लेके गया नहीं था, इस वजह से गाड़ी में जो होता है उसे चार्ज कर रहा था, तो वो ज़्यादा चार्ज कर पाता नहीं है, तो फिर मैं घर आ गया था, सबको सब लोग घर चले गए थे अपने मुझे छोड़ने के बाद, तो फिर मैं कल सो गया बहुत जल्दी क्योंकि बहुत तगड़ी नींद लगी थी, 2 दिन और 1 रात में सोया ही नहीं, तो फिर जाके सोया, और अभी भी थोड़ी नींद आ रही है, पर मैं सो गया था, तो अब मैं उठा हूँ, तो टाइम हो रहा है अभी यहाँ पर 4:30, तो फिर अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, तो बाकी वो वीडियो पूरी देखना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सब कर देना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, अच्छा भी है वैसे, जाके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, तो पूरी वीडियो को देख के एंजॉय करो, बाय।